नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी के बाद शुरू हुए सियासी ड्रामे पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने पत्रकारों से बातचीत की। सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शरद पवार एक बार फिर अनिल देशमुख के बचाव में उतरे हैं। शरद पवार ने साफ किया कि देशमुख के इस्तीफे का सवाल ही नहीं। उन्होंने कहा कि अनिल देशमुख पर लगे आरोपों में कोई दम नहीं है। उन्होंने कहा कि पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह कह रहे हैं कि फरवरी के मध्य में गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पुलिस अधिकारियों को वसूली करने को कहा था, जबकि सच तो ये है कि फरवरी के महीने में गृह मंत्री अनिल देशमुख कोरोना की वजह से 5 से 15 फरवरी तक अस्पताल में भर्ती थे। 15 फरवरी को उन्हें डिस्चार्ज किया गया, जिसके बाद 15 से 27 फरवरी तक अनिल देशमुख नागपुर में क्वारंटीन रहे। एनसीपी सुप्रीमो ने कहा कि अब मुख्यमंत्री को तय करना है कि जांच कैसे करनी है। शरद पवार ने सवाल उठाते हुए कहा कि आरोप लगाने के लिए परमबीर सिंह एक महीने तक क्यों रुके। पवार ने कहा कि परमबीर सिंह ने अपने पत्र में देशमुख और सचिन वाजे की मुलाकात की गलत जानकारी दी है, यानी वाजे की देशमुख से मुलाकात हुई, ये दावा झूठा है। उन्होंने कहा कि मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए परमबीर सिंह का लेटर प्रकरण सामने लाया गया। बीजेपी द्वारा गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफा मांगे जाने के सवाल पर शरद पवार ने कहा कि बीजेपी की मांग बिल्कुल निराधार है। जिस दौरान वसूली के आरोप लगाए गए, उस वक्त अनिल देशमुख कोरोना से जंग लड़ रहे थे और अस्पताल में भर्ती थे। शरद पवार ने कहा कि चिट्ठी में लगाए गए पूर्व कमिश्नर के आरोप निराधार हैं, इसलिए अनिल देशमुख को इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है। अनिल देशमुख ने खुद ट्वीट किया है 15 फरवरी को, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ठीक है ना, तो आप सब कह रहे हैं कि वो क्वारंटीन में थे, आप कह रहे हैं वो घर में थे। आपने अभी डेट दिया सर 15 से 27, ये मेरे साथ सबसे जगह किसको मालूम सर? देखिए ना, ये अनिल देशमुख का खुद का ट्वीट है। 15 फरवरी का ट्वीट है प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेरे पास 15 फरवरी का सर्टिफिकेट है। दिस इज अनिल देशमुख, आई एम लिविंग दिस। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्टेशन बैठता। वहीं बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने पवार के दावों को झूठा बताया है। अमित मालवीय ने अनिल देशमुख का एक ट्वीट रीट्वीट करते हुए कहा कि पवार कह रहे कि अनिल देशमुख 15 से 15 फरवरी तक अस्पताल में रहे और 16 से 27 फरवरी तक क्वारंटीन में, जबकि देशमुख 15 फरवरी को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जब अमित मालवीय के इन आरोपों को लेकर मीडिया ने शरद पवार से सवाल किए तो पवार ने क्या जवाब दिया, आइए सुनते हैं। अमित मालवीय ने ट्वीट किया है कि 15 फरवरी को अनिल देशमुख प्रेस कॉन्फ्रेंस, अनिल देशमुख 15 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने के बाद अमित मालवीय ने ट्वीट किया है कि 15 फरवरी को अनिल देशमुख एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वीडियो भी साझा किया। अनिल देशमुख खुद ट्वीट किया है 15 फरवरी को, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ठीक है ना, तो आप सब कह रहे हैं कि वो क्वारंटीन में थे, आप कह रहे हैं वो घर में थे। आपने अभी डेट दिया सर 15 से 27, ये मेरे होम क्वारंटीन सर। ये मेरे पास सबसे जगह सर, ये अनिल खुद की किसको मालूम सर? देखिए ना, ये अनिल देशमुख का खुद का ट्वीट है। 15 फरवरी का ट्वीट है सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेरे पास 15 फरवरी का सर्टिफिकेट है। दिस इज अनिल देशमुख, आई एम लिविंग दिस। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्टेशन बैठता है।
सर माइक आईडी माइक आईडी से बात कर रहा है जो पैसे ये नीति की बात है जो बताया आपके सामने बताया इसलिए मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहता। इम्पोर्टेंट गोष्ट ये नहीं है, इम्पोर्टेंट गोष्ट ये बात है कि ये इनके घर के सामने जो बात हुई थी, एक जिसकी हत्या हुई वो, दो इसकी हत्या को कौन जिम्मेदार है वो, तीन ये सीरियस बात आप छोड़कर आप डाइवर्ट कर रहे हैं, ये बात ठीक नहीं। इसका मुझे वही एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक भी देशमुख के बचाव में उतरे हैं। उन्होंने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा चिट्ठी लिखकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री देशमुख पर लगाए गए आरोपों पर सवाल उठाए हैं। सोमवार को नवाब मलिक ने कहा कि परमबीर सिंह की चिट्ठी सवाल खड़े करती है, ये ट्रांसफर के बाद लिखी गई है, उन्होंने ये चिट्ठी पहले क्यों नहीं लिखी। पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह जी की चिट्ठी कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करती है। सबसे पहले ट्रांसफर होने के बाद चिट्ठी लिखी गई, 16 तारीख के चैट तैयार किए गए जबकि उन्हें पता था कि वो ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन चिट्ठी में जिन तारीखों का उल्लेख है कि वजह मुख्य गृह मंत्री से मिले, निश्चित रूप से गृह मंत्री 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक विदर्भ के दौरे पे थे, कोविड पॉजिटिव 15 तारीख तक थे, 15 तारीख से लेके 27 तारीख तक जब तक उनकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आई वो लोगों से नहीं मिले, 1 तारीख 28 थी जब वो फरवरी के महीने में लोगों से मिले। ये सारे सवाल संदेह पैदा करते हैं चिट्ठी पे। निश्चित रूप से आरोप लगा है तो जांच होगी, उच्च अधिकारियों के माध्यम से चिट्ठी की जांच होगी और जांच के बाद जो भी निकल के आएगा कार्रवाई होगी। एक चिट्ठी के आधार पे इस्तीफे की मांग हो रही है, इस्तीफा देने का सवाल नहीं होता, पार्टी ने निर्णय लिया है कि जांच होने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। गौरतलब है कि परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने राज्य के गृह मंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा था कि अनिल देशमुख अपने घर से पुलिस अधिकारियों को कॉल करते थे और उन्हें बार रेस्टोरेंट से वसूली का टारगेट देते थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।